मैथिली फिल्म राजा सलहेश यूट्यूब पर अपलोड भ गेल अछि। फिल्म जल्दी ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्मी सिटी पर अपलोड करे लेल तैयार अछि। राजा सलहेश जे चंद्रावती के आग में जरा खातिर आब रहल छथि। दिखाओल गेल अछि या किछु प्रेम आ रोमांस के संग संग हुनका अत्याचार से लड़ाक देखाओल गेल अछि। आप पूरा कथा बताबी, पूरा कहानी सुनिए हिंदी में, क्योंकि जानेगे लॉक टू बढ़ेगा मिथिला। जनश्रुतियों के अनुसार बचपन से ही राजा सलहेश विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे सभी जातियों के लोगों के साथ संभावी और सहृदय थे, लेकिन ब्राह्मणवाद की चुनौती के कारण उन्हें अपने गांव से दूर अपनी जीविका के लिए पकरिया मुंगेर के राजा भीमसेन के यहां दरबान का काम करना पड़ा। उनके पराक्रम और ज्ञान को देखकर राजा भीमसेन ने उन्हें अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक बना लिया। लेकिन राजा भीमसेन ने चुहरमल, जो दुसाध जाति के ही थे, के साथ राजा सलहेश का मुकाबला करवा दिया। चुहरमल राजा सलहेश से ईर्ष्या भाव रखने लगा। एक जनश्रुति यह है कि राजा जनक के उपरांत राजा सलहेश के शासनकाल में मिथिला में सराहनीय उपलब्धि हुई। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि राजा जनक के उपरांत पांचवीं और छठी शताब्दी तक मिथिला में वज्रसंघ, लिच्छवी, नंद, सुनगा, कांत, गुप्ता, वर्धन इत्यादि का शासन रहा, पर इस अवधि में मिथिला कोई विशेष उपलब्धि नहीं पा सका। इन्होंने मिथिला की राजधानी महिसौथा सिरहा नेपाल को बनाया। वहां एक प्राचीन किले का भग्नावशेष अभी भी दिखाई देता है। लोकगाथा विवेचक राजेश्वर झा के मतानुसार राजा सलहेश शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों से परिपूर्ण थे। राजा सलहेश घोड़ा पर बैठकर अपनी प्रजा की रक्षा तथा शिकार खेलने निकला करते थे। जिस सरिवन में राजा सलहेश विचरण किया करते थे, उसका संबंध मधुबनी जिले में बाबूबरही प्रखंड से है। राजा सलहेश ने अपने राज्य को उत्तर की ओर से तिब्बतियों के आक्रमण से कई बार बचाकर और विजय प्राप्त कर अपने नाम शैलेश, पर्वतों का राजा, को सार्थक किया।